अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर थर्ड जो कि एंजाइम के बारे में है। हमारा टॉपिक क्या रहा था जी, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैं इसको ज़रा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो। हमने एक मॉडल पढ़ लिया था जी, जो लॉक एंड की मॉडल था। दूसरा मॉडल जो हमारे पास है दैट इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में कहता है जी, इसे प्रपोज किया था एक साइंसदान ने जिसका नेम था डैनियल कॉशलैंड ने। कब प्रपोज किया था इसको? प्रपोज किया था 1959 के अंदर, ठीक है। इस मॉडल को बच्चे प्रपोज किया था एक साइंसदान जिसका नेम था डैनियल कॉशलैंड। 1959 के अंदर उसने इस मॉडल को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर हम इस मॉडल की डिफाइन देखें, प्रॉपर स्टेटमेंट देखें कि ये मॉडल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद द एंजाइम, कहता है इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है, किसके साथ कंबाइन करता है? एंजाइम के साथ। कहता है ये मॉडल कहता है जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। इट अर्ज चेंज इन इट्स एक्टिव साइट, कहता है ये मॉडल कहता है कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है किसके साथ कंबाइन करता है? एंजाइम के साथ। और चेंज कहता है वो उसे फोर्स करता है, उसे कहता है जी अपनी एक्टिव साइट को जरा सा बदलो, मॉडिफाई करो मेरे मुताबिक, जरा सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफेक्टिवली। बच्चे लॉक एंड की ऑपोजिट मॉडल है। लॉक एंड की कहता था भाई कोई चेंज नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है चेंज की। ये मॉडल कहता है ऐसा नहीं है, जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ता है ना, उसे ज़रा सा फोर्स करता है, मोटिवेट करता है उसे ज़रा सा कि अपनी एक्टिव साइट को ज़रा सा बदल लो ताकि तुम अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सको। अब बदलने का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी शेप ही चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, एक अब मैं कहता हूँ जी हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, और ये है जी उसका सबस्ट्रेट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सबस्ट्रेट का ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, ये एंजाइम के अंदर मौजूद नहीं है, इस पार्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो कहता है जैसे ही सबस्ट्रेट उसके करीब जाएगा तो एंजाइम की एक्टिव साइट को थोड़ा सा फोर्स करेगा कि अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, मतलब माइनर, ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कहता है जी अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ कि सबस्ट्रेट उसके अंदर क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो कहता है जी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो सकती है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉडल नहीं है। और एक बात और कहता है, दिस मॉडल इज मोर एक्सेप्टेड, इस मॉडल को ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये मॉडल ये एमसीक्यू आता है अक्सर, विच मॉडल इज़ मोर इफेक्टिव फॉर एंजाइम एक्शन। तो याद रखिएगा इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आप देखें ज़रा, अगर इसका सिर्फ नेम देखते हैं आपके, इसका नेम में क्या रखा है, इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है मोटिवेट करना, इनकरेज करना, फोर्स करना, किसी भी मायने में ले सकते हैं आप। और फिट का मतलब होता है एडजस्ट हो जाना, यानी जब सबस्ट्रेट आता है ना किसके पास आता है, एंजाइम के पास, तो एंजाइम की एक्टिव साइड को ज़रा मोटिवेट करके ना, बेटर करके उसे इस पॉइंट पर लेकर आता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करे ताकि दोनों अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। बच्चे इस मॉडल को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी इंड्यूस फिट मॉडल। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का टॉपिक हमारे पास बच्चे ओवर हो गया है, ठीक है। इस आज के दोनों मॉडल्स को मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमने पहले पढ़ा था जी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को एक जर्मन केमिस्ट एमल फिशर ने प्रपोज किया था। एमल फिशर का कहना था कि जिस तरीके से एक चाबी सिर्फ एक ताले को खोलती है, एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को तोड़ता है। वो कहता था कि एंजाइम की एक्टिव साइट एक सख्त, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, ना रिएक्शन से पहले, ना रिएक्शन के दौरान, ना रिएक्शन के बाद। इट ओनली एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिसकी शेप फिक्स होती है, जो दूसरों को शेप देती है, जैसे घड़े बनाने वालों के पास जो सांचा होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं।
वो मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल था, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता था। एंड ड्यू स्पीड मॉडल ने को प्रपोज किया जी डैनियल कॉशलैंड ने, कब प्रपोज किया 1959 में। एंड ड्यूज का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, फोर्स करना। और फिट का मतलब क्या होता है जी, एडजस्ट हो जाना। कहता है जी जैसे ही सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम को कहता है जी अपनी एक्टिव साइट को जरा चेंज करो। कहता है व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद द एंजाइम इट आर चेंज इन इट्स एक्टिव साइट। वो कहता है जी अपने आप को थोड़ा सा मेरे मुताबिक एडजस्ट करो ताकि तुम अपना फंक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। सबस्ट्रेट आया, ये थोड़ा सा गैप था दोनों के दरमियान, ये एक्स्ट्रा था सबस्ट्रेट के पास, तो एंजाइम ने अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लिया क्योंकि ये मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, तो ये ज़्यादा बेटर मॉडल है। वैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमारे पास खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एंजाइम पर असरअंदाज होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।